दिल्ली से बड़ी खबर, रोहित शेखर की हत्या का ये पूरा मामला है। रोहित शेखर की हत्या का मामला, रोहित की पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है, लगातार पूछताछ हो रही थी और शक भी प्रथम दृष्टया पत्नी पर ही, और उसी के आधार पर अब गिरफ्तारी हुई है अपूर्वा की। लगातार पूछताछ हो रही थी। रोहित शेखर तिवारी की हत्या का ये पूरा मामला है और तब से ही लगातार पूछताछ के बाद अब ये बड़ी खबर है कि पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी हो गई है अपूर्वा की, रोहित शेखर की पत्नी, जिसको गिरफ्त में ले लिया गया। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार सभी से पूछताछ हो रही थी। रोहित शेखर की मां का भी बयान आया था, आपने भी सुना था, वो बयान भी हमने आपको सुनवाया था। उसके आधार पर भी पुलिस ने जांच अपनी आगे बढ़ाई। अब उसके बाद ये बड़ी खबर, हत्या के मामले में गिरफ्तारी हो गई है। पहली गिरफ्तारी अपूर्वा की, रोहित शेखर की पत्नी। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। लगातार पूछताछ हो रही थी, पूछताछ के बाद अब अपूर्वा की गिरफ्तारी हुई है। पहली गिरफ्तारी रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा की। अब पूछताछ में क्या निकला है, इस आधार पर गिरफ्तारी की है पुलिस ने। ये परत दर परत साफ हो जाएगा, लेकिन अभी ये बड़ी खबर कि अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। 3 दिन पुलिस की हिरासत में रही थी अपूर्वा। हिरासत में रहने के बाद 3 दिन अब गिरफ्तारी हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवैस उस्मानी दिल्ली से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अवैस, ये बहुत बड़ी खबर, पहली गिरफ्तारी हो गई है अपूर्वा की, रोहित शेखर की पत्नी की। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और चलिए, अवैस की आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन ये खबर एक बार फिर से आपको हम बता दें, अपूर्वा की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। 3 दिन हिरासत में रहने के बाद, हिरासत में रही थी अपूर्वा, अब गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर, लगातार जांच पड़ताल, हर एंगल से पुलिस पूछताछ भी कर रही थी, जांच पड़ताल भी कर रही थी, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई थी लगातार। अब ये गिरफ्तारी की है क्राइम ब्रांच की टीम ने, 3 दिन हिरासत में, उसके बाद अपूर्वा को गिरफ्त में ले लिया गया है। और एक बार फिर से अवैस मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अवैस, बताइए आप क्या कह रहे थे। जी देखिए, पुलिस को कहा जाए तो एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार पिछले कई घंटे से अपूर्वा को हिरासत में रखा था और डीएनए टेस्ट की जो थी वो रिपोर्ट की सिर्फ वेट कर रहा था कि वो रिपोर्ट आए। और जो नाखून के निशान जो बिस्तर पे, कंबल पे और चादर पे मिले थे, उनको मैच करने की बात हो रही थी। उसके बाद फिर लगातार पुलिस जो इस मामले में तफ्तीश कर रही थी, तो पिछले 72 घंटे के आसपास लगभग जो अपूर्वा को जो था वो हिरासत में ले रखा था। उसके अलावा 2 नौकरों को भी हिरासत में ले था। और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद से पुलिस ने जो है वो अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया और आज हो सकता है कि वो कोर्ट में भी पेश करे। पुलिस को शुरू से ही इस मामले में जो था वो पर शक था, क्योंकि इस मामले में रोहित तिवारी की एक कजन की वाइफ से अब जो है रोहित के अफेयर्स की बात सामने आ रही थी। जांच में ऐसा पता चला था, क्योंकि जिस दिन रोहित तिवारी 15 तारीख को जब वोटिंग देके नैनीताल से अपने डिफेंस कॉलोनी के घर पर आए थे, तो उनकी गाड़ी में उनकी माँ थी, रोहित तिवारी थे और वो कुमकुम जिनका नाम आ रहा है, जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की जा रही थी, शक था, वो भी उस गाड़ी में मौजूद थे। उसके बाद फिर वो उस गाड़ी से अपने घर तिलक लेन पे जहाँ उनकी माता जी रहती थी वहां वो खाना खाने के बाद चले जाते हैं। बात घर में किसी भी तरह का कोई भी प्रवेश जो है वो घर में नहीं हुआ था। तो लगातार इस बात को लेकर पुलिस को ये शक था कि घर का ही कोई करीबी आदमी जो है वो इस उसी में रखी होगी। फिलहाल पुलिस ने अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया और आज हो सकता है कोर्ट में पेश भी करे रिमांड लेने के लिए। मगर एक जिस तरह से हत्या हुई थी उसमें ये बात साफ सामने आ रही थी कि घर का ही कोई करीबी जो है वो इस पूरे मामले में मुलविस हो सकता है। बाद में जब तफ्तीश की गई तो ये भी पता चला कि जिस रात रोहित का, शेखर तिवारी का मर्डर हुआ था, उस रात जो है अपूर्वा और रोहित के बीच में झगड़ा भी हुआ था और पीसीआर पर कॉल भी मिली थी, झगड़े में घर किसी ने कॉल किया था। उसके बाद फिर दूसरे दिन 16 तारीख को शाम में 4 बजे जो नौकर होता है वो बताता है, रोहित तिवारी की माँ को कॉल करता है और कहता है कि वो एम्बुलेंस की जरूरत है और उनकी तबीयत काफी खराब है। और वो अपूर्वा की, रोहित तिवारी की जो माँ थी, वो पहले से ही हॉस्पिटल गई हुई थी किसी काम के लिए, वहाँ से वो सीधा एम्बुलेंस। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब दिल्ली से रवि सर्राफ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। मैं सीधे रुक करती हूँ रवि का। रवि, बहुत बड़ी ये खबर है, पहले भी शक था अपूर्वा पर, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ में 2 नौकरों को भी गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ अपडेट पूरी खबर पर बताइए जरा। जी दीपा, देखिए पहले से ही कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को यह शक था कि अपूर्वा ही इस पूरे मामले के पीछे है और उन्होंने ही हत्या किया है रोहित शेखर का। और तमाम पूछताछ के बाद, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद, सब चीज़ देखने के बाद दिल्ली पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया है और 2 नौकर जो है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो पहली प्राथमिकता, ये दिल्ली पुलिस के लोग बता रहे हैं कि रिश्ते जो थे रोहित शेखर और अपूर्वा के बीच में लगातार खराब चल रहे थे। प्रॉपर्टी को लेकर लगातार इन दोनों के बीच में जो है वाद विवाद होते रहता था। उसी का अंजाम अपूर्वा ने दिया कि रोहित शेखर की कहीं ना कहीं हत्या कर दी गई। लगातार जांच की गई, पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाला और जो रोहित शेखर के पास, कमरे के पास जो लोग आखिरी समय तक गए थे, उन सभी चीज़ों पे पुलिस ने गहन मंथन करने के बाद, विचार करने के बाद, पूछताछ करने के बाद इस नतीजे पहुंची कि अपूर्वा को गिरफ्तार किया। हालांकि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास रोहित शेखर जिस चादर और जो तकिया था उनके नज़दीक में उसे भेजा और पता किया कि आखिरकार कौन लास्ट वक्त तक, अंतिम समय तक रोहित शेखर के नज़दीक कौन था, तो ये पाया गया कि अपूर्वा ही वहाँ पर थी। तो इन सभी बातों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो है पूछताछ पुलिस अपने तरीके से बेहद अहम है, क्योंकि कुमकुम जिसका नाम सामने आ रहा था, जिसके साथ अफेयर की खबरें मिल रही थी, ये बात सामने आई थी रोहित शेखर की, उसको लेकर कोई जानकारी, उनसे भी पूछताछ हुई है क्या अभी तक? जी देखिए, अभी ये जानकारी नहीं निकली है, पर जहाँ तक रोहित शेखर की मां की बात है, वो लगातार ये भी आरोप लगाते रही है कि अपूर्वा के भी रिश्ते रहे हैं किसी दूसरे लोगों के साथ में। और अपूर्वा ने ये आरोप लगाया था कि रोहित शेखर के कई रिश्ते रहे हैं, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आती रही, वाद विवाद होते रहा। तो अब इस मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस दोनों से पूछताछ करेगी, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी कि आखिरकार कौन शख्स थे, किनसे रिश्ते रहे नहीं रहे। कॉल डिटेल भी पुलिस ने खंगाला है दोनों लोगों का। अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है दूसरे तरीके से पूछताछ करेगी, क्योंकि गिरफ्तारी जब हो जाती है, एक शक होता है, शक के बाद पुलिस गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार करने के बाद जो है पूछताछ दूसरे स्तर पर शुरू हो जाती है। तो अब कहीं ना कहीं पूछताछ का जो स्तर है वो बदल जाएगा। लगातार पुलिस जो है दोनों नौकरों से पूछताछ कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाला, पूरे घर के लोगों से बातचीत किया। पेशी भी हो सकती है अपूर्वा की, क्या ये भी खबर है कि आज ही कोर्ट में पेशी भी हो सकती है अपूर्वा की? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, संभावना है कि कोर्ट में पेशी हो सकती है। अब जाहिर सी बात है अपूर्वा के जो रिश्तेदार हैं वो कोर्ट का रुख करेंगे, तो कोर्ट में भी पेशी हो सकती है। चलिए ठीक, लेकिन अब ये मामला और भी गंभीर होता हुआ, गहराता हुआ, क्योंकि अभी अपूर्वा 3 दिन हिरासत में रही, उसके बाद गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अब अपूर्वा क्या कुछ कहती है, अब अपूर्वा के पास से जो भी जानकारी निकल कर आएगी उसके आधार पर गिरफ्तारियाँ आगे और भी संभव है। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि आगे और भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि पूछताछ पुलिस ने अपनी पूरी कर ली, उसके बाद ही गिरफ्तार किया है, तो जाहिर सी बात है अब और लोगों से पुलिस बातचीत करेगी। जितने लोग उनके संपर्क में थे उनसे बातचीत करने की पुलिस पूरी कोशिश करेगी। अब गिरफ्तारी हो गई है तो जाहिर सी बात है अब पूछताछ का जो तरीका है पुलिस का वो बदल जाएगा, क्योंकि रोहित शेखर की जहाँ तक बात है लगातार पुलिस उनके भी कॉल डिटेल को खंगाल रही थी कि आखिरकार किन लोगों से रोहित शेखर की अंतिम दौर की बातचीत हुई है, कौन लोग थे जो रोहित शेखर के साथ में अंतिम समय तक थे। इन सभी को पुलिस अपने निगरानी में रखी है, लगातार पूछताछ किया गया और अब गिरफ्तारी कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है अपूर्वा के घर वाले भी जो है, रिश्तेदार हैं, वो कोर्ट का रुख करेंगे, पेशी भी हो सकती है कोर्ट में। और अब लगातार पूछताछ का जो दौर है वो बदल जाएगा, नौकरों से पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। रोहित शेखर की माँ से पूछताछ किया गया, रोहित शेखर की माँ ने दोनों बातें कही थी कि अपूर्वा के भी रिश्ते कुछ लोगों के साथ रहे, शादी से पहले भी रिश्ते रहने की बात अब रोहित शेखर की माँ ने कहा है और शादी के बाद भी कुछ लोगों के साथ अपूर्वा के रिश्ते रहे, ऐसी बातें रोहित शेखर की माँ ने कहा है। तो अब जाहिर सी बात है पूछताछ रोहित शेखर की मां से पहले उनके आवास पे हुआ, जब लगातार क्राइम ब्रांच की टीम रोहित शेखर के आवास पे थी, पूछताछ किया गया। तो अब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो गई, तो अपूर्वा से दूसरे दौर की पूछताछ होगी कि आखिरकार किस तरह के रिश्ते रहे हैं और क्या वजह रही कि किस वजह से उन्होंने हत्या तक का अंजाम दिया रोहित शेखर का। ठीक है रवि, लेकिन एक बात मैं और समझना चाहूंगी, क्योंकि 3 दिन तक वो हिरासत में रही, 3 दिन से हिरासत में थी, उसके बाद किन बातों को मुख्य आधार बनाकर, किन बातों के आधार पर, जांच के आधार पर अपूर्वा को गिरफ्तार किया गया, जरा वो बताइए। जी देखिए, दिल्ली पुलिस के सूत्र भी ये बता रहे हैं कि रोहित शेखर के चादर और बेडशीट को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा गया था कि कौन लोग अंतिम समय तक रोहित शेखर के रूम में थे, उनके पास में थे। तो ऐसा पाया गया है कि अपूर्वा जो है वो रोहित शेखर के रूम में थी, आखिरी वक्त तक उनके साथ में थी। तो इन सभी को आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं गिरफ्तारी कर लिया है। कॉल डिटेल भी खंगाले गए, कॉल डिटेल्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई है और कुछ सबूत भी हैं घर से जो दिल्ली पुलिस को मिली है। तो अब कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने पूरा मामला रखा जाएगा और दिल्ली पुलिस भी यथासंभव आज देर शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और पूरी इस मामले पे जानकारी देगी कि क्या आधार बनाया गया, इन बातों को संज्ञान में लेते हुए अपूर्वा की गिरफ्तारी की गई है। ठीक, आज इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है 2:30 बजे दिल्ली पुलिस की। रवि जी बिल्कुल, संभवतः दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पूरी बात को बताएगी कि क्या कुछ मामले हैं, किन चीज़ों को आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस ने अपूर्वा की गिरफ्तारी की और 2:30 बजे का कहीं ना कहीं समय जो है मुकर्रर किया गया है। दीपा चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। मीरा रावत जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देहरादून से जुड़ी है हमारे साथ। मैम, अब ये पूरा जो मामला है वो गहराता हुआ जा रहा है क्योंकि पहले शक अपूर्वा पर ही था, अब उसी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। जी दीपा बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के साक्ष्य जो है पुलिस को मिले थे उससे शुरुआती दौर से ही ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें जो है अपूर्वा का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो भी सबूत पुलिस को मिले थे उससे साफ लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, क्योंकि रोहित का किसी के भी साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। वो बहुत हंसमुख थे, बहुत मिलनसार थे और जब भी उत्तराखंड आते थे, उत्तराखंड के दौरे पर जब भी वो अपने पिता के साथ रहे या फिर बाद में भी आए, तो उनका सबके साथ बड़ा ही दोस्ताना व्यवहार रहा। बहुत मिलनसार किस्म के इंसान थे रोहित, तो उससे साफ लग रहा था कि उनका किसी भी तरह की किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये सीधे सीधे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें जो परिवार के सदस्य हैं उन्हीं का हाथ हो सकता है और जो कि अब एक तरह से सामने आ भी गई है सच्चाई दीपा। बिल्कुल, और पहले से भी शक अपूर्वा पर ही था क्योंकि घर पर वो मौजूद थी। घर पर मौजूद होने के बावजूद भी 16 घंटे तक सोते रहे रोहित शेखर, किसी ने उनको उठाया नहीं, जगाया नहीं। उसके बाद भी ये पूरा मामला गहराता हुआ जा रहा था, लेकिन अब जो जांच होगी वो अलग आधार पर, अब अपूर्वा के आधार पर, क्योंकि अपूर्वा अब क्या कहती है, गिरफ्तारी हो गई है, अपूर्वा क्या कहती है उसके आधार पर अब और भी लोग इसमें हो सकते हैं क्या शामिल, क्योंकि अकेले सिर्फ अपूर्वा अब ये कर पाएंगी। जी दीपा देखिए, अभी इसमें कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये तो तय हो ही चुका है कि अपूर्वा ने ही रोहित की हत्या की है, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ एक दो लोग भी साथ में हों। जिस तरीके इसके पुलिस कह रही है, पुलिस के बयानों से ऐसा लग रहा है कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई है, तो हो सकता है कि एक दो लोग इसमें और भी शामिल हो। अब ये तो पूरी जांच के बाद ही पता लग पाएगा दीपा की जो। बिल्कुल ठीक, अभी कहना जल्दबाजी होगी, अभी जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ के आधार पर ही साफ हो पाएगा। लेकिन मीरा रावत जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रगल का दौर रोहित शेखर ने झेला, काफी वक्त तक संघर्ष किया, उसके बावजूद फिर अभी राजनीतिक कद को लेकर भी स्ट्रेस में चल रहे थे, डिप्रेशन में थे, ये भी खबर सामने आई। और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि जो रूम रोहित शेखर का वो एक मिनी मेडिकल स्टोर है। जी बिल्कुल दीपा देखिए, अगर रोहित के स्ट्रगल की बात हम करें तो उन्होंने वाकई में बहुत लंबा संघर्ष किया है। पहले तो उनका संघर्ष यही था कि किसी तरीके से उनको जो है पिता का नाम मिल जाए और ND तिवारी जैसे भारी भरकम नेता पर उन्होंने ये सीधे सीधे लगाया था आरोप उस समय कि वो उनके पिता हैं, तो यही पहले तो यही साबित करना उनके लिए बहुत लंबा जो है उन्होंने संघर्ष किया इसके लिए। और जब अंत में उनको पिता का साया मिला भी, तो वो फिर राजनीति के लिए काफी संघर्ष करते हुए दिखे। उन्होंने उत्तराखंड में भी एक तरह से अपनी विरासत को जो है संभालने की कोशिश करी, अपने पिता की विरासत को, क्योंकि ND तिवारी आप जानते हैं कि बहुत बड़ा नाम था उत्तराखंड का। किसी जमाने में अगर वो उस वक्त नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव नहीं हारे होते तो प्रधानमंत्री के वो दावेदार थे। तो आप समझ सकते हैं कि ND तिवारी उत्तराखंड का बहुत बड़ा सियासी कद था राजनीति में। तो रोहित भी चाहते थे, कहीं ना कहीं उनकी दिली इच्छा थी कि उनके पिता उनको एक तरह से राजनीति में स्थापित करके जाएं, लेकिन ये नहीं हो पाया। तिवारी ने भी बहुत कोशिश करी अपने बेटे को, कई बार उन्होंने उनके साथ दौरे किए, खासतौर पर कुमाऊं का उन्होंने 2-3 बार दौरा किया रोहित को लेकर। वो लोगों से उन्होंने रोहित को मिलवाया और कोशिश करी कि वो राजनीति में उनको स्थापित कर पाए, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि एन डी तिवारी भी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और वो कुछ ही समय के बाद बहुत लंबी बीमारी में वो चले गए थे। तो रोहित के जीवन का अगर हम देखें तो बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने किया और जिस तरीके से उनकी मौत हुई वो निसंदेह बड़ी झकझोर देने वाली है। और उत्तराखंड के भी सारे जितने तमाम नेता हैं, राजनेता हैं, सबने उनकी मौत पर जो है दुख जताया और यही कहा कि वो भविष्य में जो है राजनीति में भले आते नहीं आते, स्थापित हो पाते नहीं हो पाते, लेकिन वो बेहद अच्छे इंसान थे जी। वो व्यक्तित्व तो बहुत अच्छे थे और मिलनसार थे। जब भी उत्तराखंड जाते थे वहाँ से भी खबर यही कि मिलनसार थे, सबसे अच्छे से मिलते थे, बात करते थे। लेकिन अब जो ये खबर मौत के बाद अपूर्वा पर शक जाता हुआ, गिरफ्तारी होती हुई, पूरा मामला कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ही आप इसको देख रही हैं? जी दीपा, बिल्कुल। अगर हम पुलिस सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा है कि अपूर्वा की नजर जो है जो दिल्ली डिफेंस स्थित उनकी कोठी है उस पर थी। इस कोठी की कीमत लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच आकी गई है। तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अपूर्वा जानती थी कि जो रोहित की माँ है उज्ज्वला शर्मा वो लंबे समय से बीमार चल रही है और उनको भी गंभीर बीमारी है और जो उनके सौतेले भाई हैं सिद्धार्थ वो भी अभी अवसायित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपूर्वा को ये लग रहा था कि इस प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में न चली जाए। तो अगर हम पुलिस सूत्रों पर विश्वास करें तो यही अब तक सामने आया है कि जो दिल्ली में रोहित की जो डिफेंस में जो कोठी थी डिफेंस कॉलोनी में उस पर अपूर्वा की शुरू से ही नजर थी। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी दीपा यहाँ पे कि रोहित और अपूर्वा के शादी के बाद से जो संबंध थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दोनों ही जो है एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे क्योंकि वो भी वकील है अपूर्वा भी। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और यही बात रोहित शेखर की माँ ने भी कही थी, कितनी बार उनका बयान भी सामने आया, उन्होंने भी ये चीज कही कि शादी बाद से दोनों के रिश्तों में तलखी थी, शांतिपूर्ण तरीके से उनका ये रिश्ता चल नहीं रहा था और यही वजह भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी जो रोहित शेखर के सौतेले भाई सिद्धार्थ, उनके साथ रोहित के रिश्ते कैसे थे? जी दीपा, देखिए जहां तक रोहित और सिद्धार्थ के रिश्तों की बात थी तो दोनों के रिश्ते अच्छे थे, सहज थे। ऐसी दोनों में कभी कोई इस तरह के मनमुटाव की खबरें खासतौर पर मीडिया में तो नहीं आई हैं। तो इससे लगता है कि सिद्धार्थ और रोहित के बीच में कोई खास विवाद नहीं था प्रॉपर्टी को लेकर। और क्योंकि सिद्धार्थ अभी अविवाहित भी थे, लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगी कि अपूर्वा को शुरुआती दौर से ही रोहित पर शक था कि वो अपने किसी रिश्तेदार महिला मित्र के साथ उनके संबंध है, उनका उठना बैठना है। और ये भी पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि जब रोहित 11 तारीख को वोट देने के बाद दिल्ली लौट रहे थे तो उस दौरान भी उनके साथ उनकी महिला मित्र थी और उन्होंने दोनों ने मिलकर जो है शराब भी पी थी। तो ये बात भी अपूर्वा को कहीं ना कहीं अकड़ती थी और इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में लड़ाई होती थी। दीपा, ठीक है। मीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।